किताबी बातें सुनाए, तो हमारे लिए ये जो थिएटर है वो बहुत एक इफेक्टिव पॉइंट होगा, क्योंकि हम थिएटर रोल प्ले के थ्रू अगर हमें हम उन्हें इंटरफेथ हारमोनी का समझा के बारे में समझाए तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू हम थिएटर प्ले करें। इस तरह हमें उनकी गैदरिंग भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, तो इस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें हम डिफरेंट कम्युनिटीज को ले सकते हैं, लाइक क्रिश्चियंस को भी बुला सकते हैं, मुस्लिम को भी बुला सकते हैं, टीचर्स हो, जो जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी ये थी कि हम स्टार्ट कैसे करें इंटरफेथ हारमोनी के ऊपर, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, सोसाइटी के तमाम कम्युनिटी के मेम्बर्स को कैसे एंगेज करें। तो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप उन कम्युनिटीज के कॉमन इश्यूज आइडेंटिफाई करें पहले जाकर। जब आप कॉमन इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं तो कम्युनिटी के मेम्बर वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारा इशू है, इस पर एक डायलॉग रखा जा रहा है या विशेष है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो हम कम्युनिटी